हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। तो जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई, मतलब कि मेरिट लिस्ट फॉर फेज 6 आपके यहाँ पे आ चुकी है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने आपकी 6th मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। जिन भी बच्चों का यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो कि किसी किसी प्रोग्राम में यहाँ पे पूरी तरह से लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है, वहाँ पे लिखा तो है फेज 6 लेकिन आगे आपका वो लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है, आप उसके लिए परेशान मत हो। उसके लिए अंकिता मैडम है ना आपके लिए, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम उसके लिए आपको बताएंगे। जब भी लिस्ट आएगी ना उसके लिए हम तुरंत बता देंगे। तो बस आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है, बार बार उस पर टैप करके देखते रहना है, वो आपकी लिस्ट भी अपलोड कर दी जाएगी जिन जिन का, अगर आपका लिस्ट अभी नहीं आया है। फिलहाल जिनकी लिस्ट आ चुकी है एक बार हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये फेज 6 की लिस्ट आ चुकी है और ये 13 तारीख मतलब आज के दिन पे आई है। एक बार यहाँ पे चेक करो कि कितनी सीट्स अवेलेबल थी। अब हम देखते हैं किन किन बच्चों के नाम आए हुए हैं। तो यहाँ पे बेटा ये अमेठी वाला कैंपस है, आप अपने अपना नाम देख लेना, ये एप्लीकेशन नंबर देखो आपका दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस बार एडमिशन इन्होंने दे दिया है 6 लिस्ट में। और आपकी कितनी फीस लगनी है, किस कैटेगरी में आते हो, तो इतने बच्चों के यहाँ पे 12 बच्चों के नाम आए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 बच्चे यहाँ एडमिशन ले लें, अगर आप एक्स्ट्रा बच्चे जो हो, अगर आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है तो आप वेट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 बच्चे एडमिशन लेंगे ही। और ये हमारा हिस्ट्री का आ जाता है अमेठी का, जिसकी अभी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है। अब हम एक बार देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन का, इसका अभी अवेलेबल नहीं है, अभी इसका भी अपलोड नहीं किया गया है, ना ही अभी लॉ का किया गया है और ना ही अभी जूलॉजी का किया गया है। एक बार हम देख लेते हैं, हम एक एक चीज़ के बारे में अभी यहाँ पे आपको क्लियरेंस दे दे रहे हैं कि किसका किसका लिस्ट आया है और किसका किसका लिस्ट नहीं आया है। एमए एजुकेशन का नहीं आया है, संस्कृत का भी नहीं आया, एमएससी योगा का भी डेफिनेटली नहीं आया होगा क्योंकि योगा में दोनों का नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स का भी अभी नहीं आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप बेटा यहाँ पे देखोगे तो 6 लिस्ट का इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी इंटरफेस रख रखा है, अभी कोई भी इन्होंने लिस्ट अपलोड नहीं करी है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करते रहना है, रात तक एक बार चेक कर लेना, क्या पता ये अपना जो सीट्स हैं वो अपने ये जो लिस्ट है ये अपलोड करके तभी अपने घर पर जाएँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये केमिस्ट्री की लिस्ट है, आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने अपनी लिस्ट को आउट किया है फेज नंबर 6 को। तो यहाँ पे आप खुद से देख लो, हमने तो कुछ नहीं कहा, आपको सिर्फ खुद से देखना है अपनी आंखों का यूज़ करके। यहाँ पे भैया हमने बोला था ना कि भैया 90 तो जाएगा ही जाएगा, आपका लास्ट तक 90 तक तो जाना ही जाना है। तो देख लो 97 आ गया है स्पॉट राउंड, 90 तक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 बच्चों का नाम आया हुआ है जनरल कैटेगरी में, जिसमें ओबीसी भी कंक्लूड है। फिर यहाँ पे आप 97 तक आप एडमिशन ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 11 बच्चे यहाँ सारे के सारे एडमिशन लें। अगर यहाँ पे आपका नाम नहीं आया है, वो बच्चा देख रहा है, तो उसको हम यही बोलेंगे आप टेंशन मत लो, आपका यहाँ चांस बन सकता है। और आपको सिर्फ एक चीज़, अभी मैं अलग से भी इसका वीडियो बना दूंगी, आप देख लेना। देखो भैया यहाँ पे आपकी एक प्रोविजनल लिस्ट अपलोड हो गई, जिसमें आपका यहाँ पे पता ही होगा कि आप कितने नंबर पे हो, आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर लो। आप एक बार उस लिस्ट को डाउनलोड कर लोगे, उसमें पता चल गया होगा कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है। आप अपना नाम देख लो कि कितने बच्चे आपके ऊपर हैं, 97 आया है लास्ट, 97 वाला बच्चा ठीक है हो गया, ओके 97 वाला बच्चा हमने बोल दिया है। पहली बात, 1 से 11 तक जो नाम आए हैं सारे बच्चे एडमिशन लेंगे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और हमने मान लिया कि अब देखो इसमें से 5-6 सीट हमने खाली कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे 5-6 सीट खाली कर दी तो 5 सीट फिर भी बची ना, तो 5 सीट बच गई, जो जैसे 6 लोगों ने अगर खाली कर दिया तो वो 6 सीट बची, ठीक है। अब वो जो 6 सीट बची, आप अपना नाम देख लो कि कितने नंबर पे है, कितने बच्चे ऊपर हैं, उन सारे बच्चों को कंक्लूड करके आप अपना काउंट कर लो कितने नंबर पे आ रहे हो, क्या इन 6 सीट पे आ रहे हो। अगर 6 सीट पे आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो वो जो तुम 6 सीट पे आ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर वाले सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले ही लें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है आराम से कि यहाँ पे आपका बहुत इजीली एडमिशन हो जाए, तो सिर्फ आपको क्या करना है, वेट। EWS 95 आपके और जो सीट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने बोला कि BBAU आपका वेट वाली एक यूनिवर्सिटी है, आपको जो वेट कराती है। फिजिक्स का भी नहीं आया है, मैथमेटिक्स का भी हम देख लेते हैं, केमिस्ट्री का फिलहाल आया हुआ है अभी, और हम एक बार देख लेते हैं किसका किसका अपलोडेड है और किसका किसका अपलोडेड नहीं है। फार्मेसी का तो अभी बात ही मत करो, फार्मेसी वाले तो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं अभी फिलहाल, इसकी सेकंड लिस्ट आई हुई है उस पर भी हम एक बार चर्चा करेंगे, उस पर भी हम एक बार बात करेंगे, एक बार हम देखते हैं कि क्या इनका है। और ऑलमोस्ट जितनी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट प्रोग्राम का अभी लिस्ट आया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये अपलोड कर दिया है कि हाँ भैया हमने लिस्ट अपलोड करनी है, आप टेंशन ना लो। तो आप लोग एक बार 7-8 बजे करीब एक बार इनका ये जो पोर्टल है ये ओपन करके देख लेना,
7 बजे, हाँ 7 बजे करीब, ठीक है। हिंदी का ये लिस्ट आया हुआ है, हिंदी के लिस्ट में 5 बच्चों को जनरल कैटेगरी वालों को एडमिशन दिया 144 पे, और फिर यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 2 बच्चों को EWS में 113 तक एडमिशन मिल चुका है। बधाई हो भैया आप लोगों को, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने बच्चों के यहाँ नाम आए हुए हैं सारे के सारे बच्चे इस बार एडमिशन ले ही लें, कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कि आपका मतलब चांस बन सकता है। 1 ईयर LLM में अगर आप देखोगे तो 1 ईयर LLM के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है कि इतने 3 बच्चों का नाम आया हुआ है, फिर यहाँ पे 4 बच्चों का नाम आया हुआ है शेड्यूल कास्ट में, तो ये बच्चों का नाम आया है। आप सारे बच्चों को बधाई हो, आप सारे बच्चों का नाम आ गया है, आराम से यहाँ पे आप एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप चाहते हो तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और बस ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो आपके टीचर्स होते हैं उनसे बना के चलना पड़ता है, उनसे बना ले जाओगे ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, अगर उनसे बनाओगे नहीं तो हो भी सकता है कि आगे आपको कॉपी चेकिंग में या फिर आगे चीज़ों में दिक्कत हो जाए। वैसे यहाँ पे ऐसे पार्शियलिटी करते नहीं है कॉपी वॉपी चेकिंग में, बस थोड़ा सा वही है ना कि अपना एक बॉन्ड बना के रखना तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल हैं वैसे, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको देखने में पता ही चल गया होगा कि ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं किसी का भी लिस्ट नहीं आया है, जिनका जिनका आया है, केमिस्ट्री और हिंदी का आया है उनका मैंने बता दिया है, और अमेठी का इंग्लिश का आ चुका है, तो ये लिस्ट आई हुई हैं। अगर आपको यहाँ पे देखना है आप एक बार चेक कर लेना, इनके सभी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ लेना। जब भी सारी लिस्ट अपलोड हो जाएंगी बेटा हम आपको तुरंत बता देंगे। जो फार्मेसी की लिस्ट है उसकी भी अभी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसके लिए परेशान ना हो। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लखनऊ यूनिवर्सिटी पे रखने वाले हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जब भी स्कॉलरशिप का कोई भी यहाँ पे अपडेट आएगा हम आपको तुरंत अपलोड कर देंगे, तुरंत ही बता देंगे। प्लस जितने भी UG वाले बच्चे हैं वो भी परेशान ना हो, उनका भी कोई भी प्रोसीजर शुरू होगा हम आप तक तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।